गृह सचिव श्री राजीव गौबाजी, निदेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सुश्री डी आर डोले बर्मन जी, भारतीय पुलिस सेवा के 69 RR 2016 बैच के अधिकारी प्रशिक्षार्थी, मैं आप सबका राष्ट्रपति भवन में स्वागत करता हूं। आपने एक बहुत कठिन प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाई है और भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश आप सबको मिला है। मैं इस बात के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय पुलिस सेवा हमारी राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रणाली के स्तंभों में से एक है। अखिल भारतीय सेवा के एक सदस्य के रूप में निसंदेह है आप किसी एक राज्य की सेवा करेंगे, परंतु आप एक राष्ट्रीय विचारधारा के प्रतिनिधि भी होंगे। विधि शासन और हमारी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की आम अवधारणा को बनाए रखना आपकी अनिवार्यता होगी। इस प्रकार से आप केवल लोक व्यवस्था और ईमानदार आचरण के ही संरक्षक नहीं होंगे, बल्कि कानून की गरिमा के निगहबान भी होंगे। आपका पद आपको वह अधिकार और शक्तियां देता है जो लोगों की सेवा में वास्तविक साधन है। लोक सेवक के रूप में लोक सेवा करना और सबसे गरीब तबके के लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना आपका दायित्व होगा। ऐसी बहुत कम सरकारी सेवाएं हैं जिनका केवल कुछ एक लोगों पर ही नहीं बल्कि हजारों लोगों पर फर्क पड़ता है। पुलिस सेवा वह गिनी चुनी सेवा है जो आपको ऐसा करने का मौका देती है। यह आप में से प्रत्येक को राष्ट्र निर्माता बनाती है। आप जब फील्ड में काम करेंगे, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, आप दिन भर लोगों के बीच में आपको रहना है। यू हैव टू फेस द पीपल एज वेल एज द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव सुबह से और शाम तक, और उन पीपल्स में कई प्रकार के लोग मिलेंगे। लेकिन मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ कि जब आपका पद एक उच्च सेवा का पद है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जब आप जाएंगे, पुलिस कप्तान कहे जाएंगे और कहा ये जाता है कि पुलिस के आप उस ज़िले के सर्वे सर्वा हैं। आप लोगों को लगता होगा कि जिस समय ये पद मिलता है, ये पद प्रतिष्ठा का है, सम्मान का है, और इसके साथ साथ ग्लैमर भी है। ग्लैमर बहुत जुड़ा हुआ है। आप जब फील्ड में रहेंगे, राइट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट, वेयर एवर यू गो, यू विल हैव ए मैनी सबॉर्डिनेट्स फॉलोइंग यू, और वो जब आपको सलामी देंगे तो आपको मन में यू विल फील रादर एलिवेटेड कि मैं तो इस मुल्क तो छोड़िए लेकिन इस ज़िले का ज़रूर मैं कुछ हूँ। और ये जो ग्लैमर है, यहीं से, क्योंकि आपके पास सत्ता भी है, सत्ता और ग्लैमर दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे निकलता है फिसलन। हम हिंदी में बोल रहे हैं फिसलन, लोग फिसलते हैं, और वो मौके आएंगे आपको प्रत्येक दिन आएंगे। जब आप अपने बंगले पर होंगे सुबह, तब भी आपको फिसलन का मौका मिलेगा। फील्ड में दूसरे लोग आपको मौका देंगे, लेकिन आज जिन लक्ष्यों की आपने बात की है, वो लक्ष्य यदि आपको जीवन भर सर्विस के दौरान याद रहे, तो आप बहुत बड़ी देश की सेवा करेंगे, बहुत बड़ी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। नॉर्मली, क्योंकि मैं उस पब्लिक फील्ड से गुज़र करके आया हूँ, ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर्स जब डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, एक आपको कैडर है, आपका स्टेट का कैडर,
कभी-कभी हम लोग अनजाने में, जानते हुए नहीं, अनजाने में, वी गेट आवर सेल्व्स ब्रांडेड, ब्रांडेड एंड एलिनिएटेड आइदर टू एन इंडिविजुअल आर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल आर टू ए पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी. स्वाभाविक है, सरकार है, सरकार में पॉलिटिशियंस भी मिलेंगे. एक वो जो एलिनिएशन होता है वो आपकी सर्विस के लिए बहुत खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है. और हमेशा आप पाएंगे कि जिसके प्रति एलिनिएशन है यू मे गेट सम रिवार्ड, पोस्टिंग में हो सकता है, मनचाही पोस्टिंग. लेकिन द मोमेंट दैट एस्टेब्लिशमेंट इज आउट यू बिकम ए टारगेट. आपको अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना करके रखना है. और इसमें जो अधिकारी सफल हो जाते हैं उनको मैंने देखा है, दे अपना स्टेट, स्टेट से ऊपर केंद्र में, और यहाँ केंद्र में भी राजीव गौबा साहब होम सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बहुत दौर देखे हैं, यहाँ तक आए हैं. आप लोगों में से भी वन डे यू कैन एस्पायर टू बिकम द होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी, provided you maintain your integrity. आप हमेशा याद रखें कि ऐसे देश या समाज जिनमें सर्वाधिक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स और सबसे अधिक जागरूक शासन होता है वहाँ प्रायः सभी नागरिक कानून से डरते हैं. यह जरूरी नहीं कि वे कानून लागू करने वाले से डरते हों, क्योंकि आपकी कैटेगरी कानून लागू करवाने वालों में. इसे अपना मंत्र बना लें और अपने कर्तव्यों को बिना किसी डर के और विनम्रता के साथ बगैर विलंब किए निभाएं. व्यवसायिक सिविल सेवकों की हैसियत से कृपया निडर होकर राजनीतिक कार्यकारी को ईमानदार और पक्षपात रहित सलाह दें. संविधान को अपना ग्रंथ और सतत मार्गदर्शक समझें. भारतीय पुलिस सेवा की पुरानी 19वीं शताब्दी की परंपरा है. आज भी इसके बुनियादी मूल्य और राष्ट्रीय प्रयोजन की भावना वही है. फिर भी 21वीं सदी में नए और अलग चुनौतियां हैं. मैं इनमें से दो का जिक्र करना चाहूँगा. पहली चुनौती है आतंकवाद और वाम उग्रवाद. इनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पहलू हैं. आपको इन चुनौतियों का सामना करना है, परंतु इस बात का ध्यान रखते हुए कि सामान्य जनता को कष्ट ना पहुँचे. अब मैं दूसरी चुनौती पर आता हूँ. जैसे हमारी आर्थिक स्थिति में प्रगति हुई है, सफ़ेदपोश और सामूहिक अपराध के भी मार्ग खुले हैं. इससे हमारी पुलिस फोर्स के कुछ एक विंग्स में और अधिक विशिष्ट होने की मांग बढ़ गई है. जबकि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट हमारे समाज में बेहतर ढंग से बदलाव ला रहे हैं, वे जटिल डिजिटल अपराधों के मार्ग भी निकाल रहे हैं. ये चुनौतियां हैं जिनका सामना आप पुलिस अधिकारियों की पीढ़ी को करना पड़ेगा, और मुझे विश्वास है कि आप इस पर जीत हासिल अवश्य करेंगे. टेक्नोलॉजी एक चुनौती भी है और एक हथियार भी. टेक्नोलॉजी आपको आपकी जिम्मेदारी बड़ी दक्षता से निभाने में मदद करती है. यह नागरिकों को अपने घर से, कंप्यूटर से या मोबाइल से पुलिस फोर्स के साथ बातचीत और शिकायत तक दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करती है. कृपया इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन दें. एक आदर्श पुलिस प्रणाली वो है जहां नागरिक को पुलिस स्टेशन जाने की कम से कम आवश्यकता पड़े. अंत में मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि शिक्षा या पद या अन्य किसी प्रकार से आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि न जाने कितने आप अपने कॉलीग्स को हजारों की संख्या में पीछे छोड़ आए. ये हमें भूलना नहीं चाहिए. इस प्रकार आपके लिए यही पर्याप्त नहीं होगा कि आप केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और ईमानदारी से करें. वो तो करना ही है, आपको समाज को भी उसका देय या ऋण लौटाना है. यह मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इससे कैसे निपटते हैं. इस बात का मैंने उल्लेख इसलिए किया कि आप जहाँ तक पहुँचे हो उसमें समाज का पूरा योगदान है.
और समाज की जब मैं बात करता हूँ उस समाज में परिवार भी शामिल है, आपके रिश्तेदार भी शामिल हैं, आपके फ्रेंड्स भी शामिल हैं, आपने जहाँ पर शिक्षा पाई है आपके टीचर्स भी शामिल हैं, आप जिस छोटे से हटमेंट या गांव से आते हैं उस गांव के लोगों की भी आपके प्रति शुभकामनाएँ और आशीर्वाद है आप सबको। और ना जाने अभी रास्ते में आपको कितने लोग मिलेंगे जिनकी शुभकामनाएँ मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, इन सबको हमें मोटे तौर पर वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। एक मोटे किस प्रकार से हम कर सकते हैं वो इसको आपको, नाउ यू हैव टू टेक द फाइनल कॉल। परंतु आप ये अवश्य याद रखें कि हम में से प्रत्येक का दायित्व है कि हम समाज और लोगों के जीवन में सहायता पहुंचाएं, और जो अपेक्षा गरीब या कमज़ोर वर्ग के लोग हमसे करते हैं उसे पूरा करने का प्रयास करें। ऑफिसर्स, यू हैव टू मेंटेन टू फेसेस, वन सॉफ्ट फेस एंड अदर इस टफ फेस, दैट इज हार्ड फेस। सॉफ्ट फेस फॉर द पीपल एट लार्ज, फॉर द पुअर, फॉर द वीमेन, फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन, एंड हार्ड फेस फॉर द क्रिमिनल्स एंड करप्ट। इन शब्दों के साथ मैं आप सबके सफल सेवा जीवन और देश के प्रति निरंतर सेवा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।